Now we come to the next topic, that is diary entry. That also I gave you this topic today in the test, because in your PT2 exams the paper will be the same, the format of the paper will be the same as was your SA1. It will contain four parts: reading, writing, grammar and literature. जैसे आपका SA2 का पेपर था वैसा ही आपका ये पेपर बनेगा. इसमें फोर पार्ट्स होंगे. फर्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा 10 मार्क्स का, एंड देन ग्रामर पार्ट होगा आपका, राइटिंग सेक्शन अगेन 10 मार्क्स, देन ग्रामर पार्ट 14 मार्क्स एंड लिटरेचर पार्ट 16 मार्क्स. इज इट क्लियर टू ऑल? तो आपने कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी करनी है, आपकी जो भी ग्रामर बुक्स हैं या वट एवर एक्स्ट्रा ग्रामर बुक्स यू हैव, सो ट्राई टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशंस ऑल्सो बिकॉज यू विल बी हैविंग दैट. नाउ वी कम टू द डायरी एंट्री. That I have also explained you earlier, but this is just for the revision sake. I am doing this video again. So, I have discussed earlier the main features of the diary entry. That is that main features क्या होते हैं कि हमें events की chronology का ध्यान रखना है कि first event कौन सा था morning में उठते ही, second कौन सा था, third कौन सा था. ये नहीं है कि हमने events को ऊपर नीचे कर दिया. जो इवेंट सबसे पहले हुआ सुबह उठते ही, आपने उसे सबसे पहले मेंशन करना है. मींस द इवेंट्स शुड बी क्रोनोलॉजिकली रिटन, हमें उनको फॉलो करना है. फर्स्ट इवेंट आपका, फर्स्ट उठ के आपने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपने इवेंट्स जो हैं क्रोनोलॉजिकली लिखने पड़ेंगे. यू हैव टू राइट इट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज़ दैट डायरी एंट्री इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है क्योंकि आप ये अपने आप से एक तरह से बात कर रहे हैं. व्हेन यू आर राइटिंग अ डायरी यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड यू आर जस्ट राइटिंग योर फीलिंग्स इन द रिटन फॉर्म. सो यू विल ऑलवेज यूज़ आई, वी, अस एट्सेट्रा. मैंने ऐसा किया, हमें ये अच्छा लगा, या हम वहाँ गए. तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है. हमने जो डायरी एंट्री लिखनी है हमेशा हम इन फर्स्ट पर्सन का ही यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, यू नहीं, अस, ठीक है. थर्ड थिंग इज डायरी एंट्री जो होती है बच्चे, उसमें इवेंट्स होती हैं जो वो इवेंट्स के बारे में हम लिखते हैं जो जिसके बारे में, जिस इवेंट के बारे में हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड, या आपके नियर एंड डियर वन से रिलेटेड. आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या आपको किसी ने कोई ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, या आपके कोई नियर या डियर वन से रिलेटेड कोई बात हो, तो आपने ये सब डायरी में लिखना होता है. फोर्थ थिंग इज ट्रू फीलिंग्स ऑफ द राइटर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द डायरी एंट्री विदाउट एनी फियर. जब आप डायरी एंट्री लिखते हैं बच्चे, दैट यू नो दैट इट इज़ अ पर्सनल थिंग, नोबडी रीड्स योर डायरी, राइट? सो यू कैन राइट योर ट्रू फीलिंग्स इन दैट. यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस, यू डोंट नीड टू राइट सुपरफिशियल थिंग्स. आपको जैसा लगा, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, If you found it very enjoyable, you will write, yes, I enjoyed a lot. If you didn't like somebody's, if you didn't like something or some event, आपको किसी चीज़ की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आप वो डायरी में बिल्कुल ऑनेस्टली लिखेंगे. आपको उसमें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ट्रूली, ऑनेस्टली. क्यों? क्योंकि ये डायरी एंट्री बहुत पर्सनल चीज़ होती है. इसमें आपको कोई वो पढ़ने नहीं वाला, वो आपकी फीलिंग्स हैं जो आप राइटिंग फॉर्म में डाल रहे हैं. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे. फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ, सेकंड पे क्या हुआ, थर्ड पे क्या हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना है. सेकंड थिंग, आपने इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है. आई, वी, अस, यू. आई, वी, अस, मैं, हम या अस, हम सब. डायरी एंट्री में या तो आपसे रिलेटेड इवेंट्स होएगी, आपसे रिलेटेड कोई बात होगी, या आपके नियर एंड डियर वन से रिलेटेड बात होगी. तो उसमें आपकी जो इवेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं आप ही की हों, आपसे रिलेटेड कोई बात है या आपके नियर एंड डियर से रिलेटेड कोई बात है, तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं. सपोज़ कोई ऐसी बात हुई जो आपकी मदर ने आपसे कुछ कहा, तो आप वो लिख सकते हैं कि टुडे इन द मॉर्निंग माय मॉम टोल्ड मी लाइक दिस एंड आई रिप्लाइड टू हर लाइक दिस. तो ये सब फीलिंग्स आपने, आपको जैसा लगा,
वो आप राइटिंग फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम राइटिंग डायरी एंट्री कहते हैं। लास्ट थिंग, अपनी फीलिंग्स को आपने बिल्कुल ट्रूली लिखना है, ऑनेस्टली लिखना है। आपको उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी छुपाने की या प्रिटेंड करने की। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड एनीथिंग। डायरी एंट्री इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स इन दैट। सो दीज आर द फोर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग द डायरी एंट्री। नाउ हियर वी विल रीड वन डायरी एंट्री, सैम्पल डायरी एंट्री। दिस इज़ एट पेज नंबर 178 ऑफ योर ग्रामर बुक क्लास 6th। सो दिस इज़ अ सैम्पल डायरी एंट्री। हियर द नेम्स आर गिवन दैट इफ यू आर अ बॉय देन यू विल राइट योर नेम रवि एंड इफ यू आर अ गर्ल देन यू विल राइट नेम नताशा। टुडे योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ ट्रिप फॉर योर क्लास टू द 12th ऑटो एक्सपो। एक ऑटो एक्सपो लगा हुआ है और आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है। राइट योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री, नॉट मोर देन 70-80 वर्ड्स। वर्ड लिमिट दी होती है, नहीं दी हुई है तो आप 70-80 वर्ड्स लिख सकते हैं 6th क्लास। बट एज योर क्लास गोज अप, सो 80 का 100 हो जाएगा और 100 का 150 हो जाता है। बट 6th क्लास के लिए 70-80 वर्ड्स ठीक हैं। 7th क्लास के लिए 80-100 हो जाएंगे और 8th के लिए 100-150 वर्ड्स हो जाता है। सो इट द वर्ड्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लास। सो इन दिस राइट डाउन द डे एंड द डेट विद ईयर, ठीक, लीव वन लाइन। बट आई हैव मेक यू राइट डियर डायरी ऑल्सो, बट नाउ डेज द फॉर्मेट हैज चेंज, दे डोंट मैंशन डियर डायरी। So today at the school our class teacher announced that we will be visiting the 12th auto expo. तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि आपका जो क्वेश्चन था कि आज हमारी टीचर ने अनाउंस किया कि हम आज 12th auto expo देखने जाएंगे। So it's a biennial automotive show held in the New Delhi, India. फिर आप उस शो के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि वो biennial है, automotive show है जो कि दिल्ली में है, इंडिया में। फिर थोड़ा सा और एनलार्ज उसको एग्जैजरेट करेंगे कि वो एशिया का लार्जेस्ट है, इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मोटर शो। दो तीन लाइनें आपने उसके बारे में लिख दी। उसके बाद आप अपनी फीलिंग स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये बताएंगे कि आप आज क्या कर रहे हैं। सपोज इसमें लिखा हुआ था कि ट्रिप है, तो आप सबसे पहली लाइन यह है ऐसे ही स्टार्ट, यू विल स्टार्ट द योर डायरी एंट्री विद राइटिंग दिस दैट टुडे आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ ट्रिप फॉर ट्रिप ना स्कूल आर क्लास टीचर नाउ दैट विल बी विजिटिंग टू ऑटो एक्सपो। और यू कैन राइट दैट आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ ट्रिप फॉर अस टू द 12th ऑटो एक्सपो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यू विल राइट अबाउट दैट इवेंट वेयर यू आर गोइंग टू द वेन्यू वेयर यू आर गोइंग। देन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर फीलिंग्स। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। वी मीन्स पूरी क्लास की बात कर रहे हैं आप, उनकी पूरी क्लास की बिहाफ पे आप ये डायरी लिख रहे हैं। पर ये आप ठीक है, आपने ये लिख दिया, बट ये आपकी पर्सनल डायरी है। बट एक्साइटेड तो आप सभी थे ना, सो यू कैन राइट हियर वी बोर्डेड आर बस। फिर आप स्टार्ट करेंगे लिखना क्रोनोलॉजिकली। पहले आप बहुत एक्साइटेड थे पहले नंबर पे, फिर आपने क्या किया, यू बोर्डेड योर स्कूल बस, रीच्ड प्रगति मैदान ऑटो एक्सपो वेन्यू, बस बोर्ड की हमने एंड हम कहाँ पहुँचे वो लिखा, ठीक है ना। एक एक चीज़ का, एक एक इवेंट को आपने क्रोनोलॉजिकली मैंशन करना है। द एंट्री वॉज फ्री फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी मैंशन करना है कि वहाँ एंट्री फ़ी थी बट हमारे लिए वो फ्री था। एंट्री टिकट थी बट स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ था। देन यू विल टेल दैट वॉट यू सॉ देयर। वी सॉ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑटोमोबाइल कंपनीज देयर एंड दे वर ऑल डिस्प्लेइंग दे एवरीबडी हैज़ इट्स ओन स्टॉल एंड वेयर इट हैड डिस्प्लेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इट्स व्हीकल्स। फिर आपने ये लिखना है कि हमने वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स देखे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, वी इंटरेक्टेड विद द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो एंड गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द ऑटोमोबाइल्स। हमने वहाँ पे बहुत सारे कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात की और हमें बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। और भी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड, अदरवाइज इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग डे एंड वी एंजॉयड अ लॉट। यू कैन सम अप योर डायरी लाइक दिस। Suppose I gave you the diary to write a diary that a marriage you have attended with your family. So you can start with that today also, or you can write a few days back, I attended the marriage with my family
एंड इट वॉज सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टू थ्री लाइन्स अबाउट द मैरिज. सो किसकी मैरिज थी आप ये बताएंगे, दैट इट वॉज़ द मैरिज ऑफ माई कज़न और इट वॉज़ अ मैरिज ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इन द इवनिंग एट 7 PM वी रीच द वेन्यू, देन ऑल ऑफ अस वर वेल ड्रेस्ड. सो वी रीच द वेन्यू एंड द बैंक्वेट हॉल वॉज फुली पैक्ड. उसके बाद आप वहाँ थोड़ा जो बैंक्वेट है उसके बारे में लिखिए कि डेकोरेशन कैसी थी. बैंक्वेट वॉज वेल डेकोरेटेड, वेल डेक्ड अप एंड गेस्ट्स वर अराइविंग. सो वी आई विद माई फैमिली वी टुक वी वर सीटेड ऑन द चेयर्स एंड वी वर जस्ट इन्जॉइंग द डेलिकेसीज सर्व्ड देयर. द फूड वॉज एक्सीलेंट एंड देर वॉज सो मैनी डिश. आप तो ये लिख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी तरह की क्यूजिन थी, मीन्स वी इन्जॉयड देयर द वेराइटी ऑफ क्यूजिन्स लाइक चाइनीज एंड कॉन्टीनेंटल, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन. सो यू कैन मैंशन दैट ऑल्सो. देन वॉट एल्स यू कैन राइट इन द वेडिंग, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट इन द वेडिंग यू हैव अटेंडेड बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक. सो इट्स दैट इज़ वाई आई हैव गिवन यू अ वेरी कॉमन टॉपिक. कि शादी पे तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं कि आप शादी में क्या क्या देखते हैं, वो सारा आप अपनी डायरी एंट्री में लिख सकते हैं. देन आफ्टर टेलिंग अबाउट दैट वॉट टाइप ऑफ फूड यू एन्जॉयड देयर, देन यू कैन टेल दैट वी वेंट टू द स्टेज एंड वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ टू अवर कज़न, वी गेट आवर फोटोग्राफ्स क्लिक्ड, then we chatted with all other relatives also. We spent 2-3 hours there and we really enjoyed the time. Everybody was in the best of their dresses. Then there was a DJ system and we danced a lot there, like this you can write down. And at around 12 o'clock we came home. But overall the wedding was a great. That's it. ख़त्म कर दो ऐसे. तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक था बच्चे जो मैंने आपको दिया था. आप लोग आई होप दैट इट इज़ नाउ वेरी क्लियर टू यू, यू कैन राइट इट. सो दिस वीडियो आई हैव मेड इट जस्ट फॉर यू पीपल अगेन दैट द फीचर्स शुड बी क्लियर टू यू रिगार्डिंग द मैसेज राइटिंग एंड द डायरी एंट्री. सो टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू द टेस्ट ऑफ लिटरेचर. And today I have sent the message in your, left the message in your group that revise for your lessons of literature, all the lessons. So be ready for the test. Today I'm going to send you the test of literature and then the next day I'm going to send you the comprehension also. So it will be just a practice test. And best of luck for your exams. Perform well. And score well also. That's it.